हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के केस में सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पर फोकस करते हुए ये कहा है कि सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पार्टीज टू दी मैरिज यानी हस्बैंड और वाइफ को ये फ्रीडम देता है कि दोनों पार्टीज आपसी कंसल्ट से ये डिसाइड कर सकते हैं कि विवाह के दिन वो किस रीति रिवाज को फॉलो करेंगे। उन हिंदू रीति रिवाज में सप्तपदी का होना एक आवश्यक शर्त है, यानी सात फेरों का होना एक आवश्यक शर्त है, और कोई हिंदू विवाह बिना सात फेरों के अगर हुआ है तो वो हिंदू विवाह वैध नहीं है, दैट मैरिज इज नॉट वैलिड मैरिज। और इन केस पार्टीज ने किसी तरह से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि प्रॉपर सेरेमनीज के बगैर उनकी शादी हुई थी या सात फेरे नहीं हुए थे, तो मैरिज सर्टिफिकेट अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है और उनके मैरिज को कैंसिल कर दिया जा सकता है।